कभी आपने देखा है लेफ्ट से लुकअप होते हुए? अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो ये ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने यूज किया है वी लुकअप का फार्मूला, और यहां पे आप देख सकते हैं वी लुकअप यूज किया है, इसके साथ एक और चूज यूज किया है, और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सब आ जा रहा है। देखिए 1000, अब ये लेफ्ट देता हूं आपको देखने में आसानी होगी, ये देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट में है ठीक है, और ये पूरा ही जो रो है वो मैं एक सिंगल कलर से हाईलाइट कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। ये देख सकते हैं यहां पर भी सेम रिजल्ट आया हुआ है, ये रिजल्ट देखिए, ये राइट से आया हुआ है, लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से आया हुआ है, जबकि वी लुकअप लेफ्ट से काम करता है ठीक है। तो यहां पे देखिए 1000 आ रहा है, फिर यहां पर 5 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, और ये तो उल्टा हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है आइए आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं फार्मूला लगाता हूं वी लुकअप का, तो कुछ इस तरीके से वी लुकअप हम लगाएंगे, तो ये वी लुकअप लगा दिया हमने ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, जैसे सपोज कीजिए हमको कीबोर्ड को ढूंढना है ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन आपको कीबोर्ड नहीं ढूंढना, हमको 1000 रुपए वाला जो प्रोडक्ट बिका है उसी आइटम का नाम ढूंढना है और यूनिट ढूंढना है और प्राइस ढूंढना है जो कि यहाँ लिखा हुआ है ठीक है। अब कॉमा देंगे, यहां पर यूज करेंगे चूज फॉर्मूला, तो ये चूज फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, अब इसमें वी लुकअप का यूज करके बता रहा हूं, तो ये चूज हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर इसका आ जाएगा पूरा डिटेल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है ठीक है, तो यहाँ पर मैं एरे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ, यहाँ करता हूँ 1, 2, 3। अब चूंकि 4 ही कॉलम है तो ये 4 तक मैं कर लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। जब हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट को तो उसके बाद से हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है, और सबसे पहले तो ये टोटल को चूज कर लेता हूँ, टोटल हेडिंग छोड़ दीजिएगा बाकी सब चूज कर लीजिए यहां तक, फिर कॉमा लगाइए, फिर दूसरा वाला यूनिट है तो यूनिट को चूज कीजिए, कॉमा लगाइए, फिर तीसरा वाला क्या है, प्राइस है तो प्राइस को चूज कीजिए, कॉमा लगाइए, अब एट लास्ट कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को इस तरह से चूज कर लीजिए, और फिर आपको क्या करना है, सिंपली कॉमा लगा देना है ठीक है। कॉमा कैसे लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके तब कॉमा लगाएंगे, तो ये ब्रैकेट को क्लोज किया हमने, कॉमा लगा दिया ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, फिर वापस से कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिए इस तरीके से ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सब चाहिए, हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए हमें। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, अब आपको यहां पर लगाना है कॉमा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, बंद करना है ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए 1000 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये 1000 तो आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, तो पूरा कैसे आएगा, तो देखिए 4 आपके कॉलम है, 2, 3, 4, तो चारों को सेलेक्ट कर लीजिए पहले ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहां पर क्लिक करता हूं, ये चारों को मैंने कर लिया सेलेक्ट ठीक है। अब आपको यहां पर फॉर्मूले को एडिट कर लेना है F2 बटन प्रेस करके, तो ये फॉर्मूला एडिट हो गया। अब आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे ही प्रेस किया तो आप देख पाएंगे कि यहां पे कीबोर्ड की पूरी डिटेल आ गई, लेकिन कीबोर्ड है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ लेकिन ये आ रहा है राइट साइड में। ये कमाल है चूज फॉर्मूले का, वी लुकअप के साथ चूज यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप रिजल्ट लेके आ पाएंगे। अब देखिए इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो सब आ जाएगा, देखिए सारा कुछ आ रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास 4 ही डिटेल है तो 4 ही डिटेल आएगा ना, और सारा लेफ्ट साइड से हट करके राइट साइड में आ रहा है, ये देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।